इस तरह से आप करेले और आलू की सब्जी जरूर बनाइए, बिल्कुल भी कड़वा नहीं लगेगा। दो रोटी की जगह आप चार रोटी खा जाओगे, इतना टेस्टी बनता है। चलिए इसे अब हम बनाते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ मनोरमा, कुक विद मनोरमा में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। करेला और आलू की सब्जी बनाने के लिए यहाँ पर हमने करेला लिया है और आलू है, एक बड़े साइज का आलू है, चार से पाँच करेला है। इसे हम पहले छील लेंगे। अगर आप ऐसे ही बनाना चाहो तो ऐसे ही बनाओ करेले की सब्ज़ी, ऐसे बिना छीले भी बहुत अच्छी लगती है, पर मैं इसे थोड़ा छील रही हूँ। हल्का हल्का छील लेना है। देखिए इस तरह से सारा करेला हम ऐसे ही छील लेंगे। करेला और आलू को हमने छील लिए है, अब इसे हम कट करेंगे। इसके बी देखिए पक गए हैं, इसे हम निकाल लेंगे। अगर नरम बी रहते हैं तो उसे रहने देना है, पर पक जाते हैं या कड़क रहते हैं तो उसे निकाल लेना है। करेले की हमने बी निकाल लिए है, अब इसे हम लंबी स्लाइस में कट करेंगे। पतला पतला कट करेंगे ताकि जल्दी पक जाए और लंबी स्लाइस रख रहे हैं। आलू को भी हम लंबी स्लाइस में ही कट करेंगे, जिस तरह से करेला कट कर रहे हैं लंबी स्लाइस में, उसी तरह से आलू को भी हम लंबी स्लाइस में कट करेंगे। करेला हमने लंबी स्लाइस में कट कर लिया है, आलू को भी हम लंबी स्लाइस में कट कर लेंगे। करेला और आलू को हमने लंबी स्लाइस में कट कर ली, इसे तीन से चार पानी अच्छे से धो लेंगे ताकि करेले का सारा कड़वापन निकल जाए और जो करेले के छिलका का जो लगा है हरा हरा सब अच्छे से निकल जाए और करेले का कड़वापन कम हो जाए। करेला और आलू को अच्छे से हमने वॉश कर ली है, चलिए अब इसकी सब्जी बनाते हैं। यहाँ पर हमने दो चम्मच तेल रखे गर्म होने के लिए, तेल अच्छे से गर्म हो चुका है। इसमें पाव चम्मच हम जीरा डालेंगे, पाव चम्मच बड़ी सौंफ डालना है और पाव चम्मच कलौंजी डालना है। इन सब का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। सारे मसाले को हम तड़का लेंगे। यहाँ पर छः से सात कली लहसुन लिए हैं, जिसे हमने लंबी स्लाइस में कट कर लिए है। लहसुन का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, अगर आप लहसुन नहीं खाते तो अवॉइड करिए, लहसुन का कच्चापन चला जाएगा। तब तक हम इसे तेल में भून लेंगे। यहाँ पर हमने दो प्याज लिए है, बड़े साइज़ का प्याज है, जिसे हमने इस तरह से लंबी स्लाइस में कट किए है, लच्छों में कट किए है। प्याज डालना है और प्याज को सॉफ्ट हो जाए तब तक हम पका लेंगे। जब प्याज पकेगा तो इसके सारे लच्छे अपने आप अलग हो जाएंगे। प्याज देखिए सॉफ्ट हो गया है और इसके सारे लच्छे अलग हो गए हैं। प्याज का कलर चेंज नहीं हुआ है, सिर्फ हल्का सा सॉफ्ट हुआ है। इसी समय इसमें हम दो से तीन हरी मिर्च डाल देंगे। कट करके हमने हरी मिर्च को डाले हैं, फिर करेला और आलू डाल देंगे, मिक्स करेंगे। सब देखिए अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब इसे हम ढक देंगे, ढक कर मीडियम आंच पर चार से पाँच मिनट हम पका लेंगे। पाँच मिनट हमने सब्जी को तेल में ही पका लिए हैं, तो कलर देखिए थोड़ा सा चेंज हो गया है, क्रिस्पी हो गया है। इस तरह से हम सब्जी बनाएंगे तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। आप दो रोटी की जगह चार रोटी खा जाओ, इतना टेस्टी सब्जी बनकर तैयार होती है। अब इसमें हम कुछ मसाले ऐड करेंगे। यहाँ पर हमने छोटा आधा चम्मच हल्दी पाउडर लिए है, ज़्यादा मसाले का यूज़ नहीं करना है। छोटा आधा चम्मच धनिया पाउडर है, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर है छोटा आधा चम्मच, कलर के लिए यूज़ कर रहे हैं। आधा चम्मच यहाँ पर हमने गरम मसाला लिए है और स्वादानुसार नमक लेना है। एक चम्मच यहाँ पर हमने नमक लिए, छोटा एक चम्मच नमक लिए है। और यहाँ पर टमाटर है, दो टमाटर है, जिसका बीज निकाल कर हमने लंबी स्लाइस में कट कर दिए है। सारे मसाले को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आँच इस वक्त धीमा है, धीमे आँच पर ही मसाला डालना है। अच्छे से सब मसाले को मिक्स कर लेना है। आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो एक लाइक करिए, कुक विद मनोरमा चैनल को सब्सक्राइब करिए। सारे मसाले देखिए हमने अच्छे से मिक्स कर लिए हैं। अब इसे ढक देंगे, ढक कर पकाएंगे जब तक करेला पूरी तरह से पक नहीं जाता। करेला और आलू को पूरी तरह से पका लेना है। करेला और आलू देखिए अच्छे से पक चुका है, हम चेक करते हैं। करेला देखिए कट जा रहा है, आलू भी आसानी से कट जा रहा है। सुपर टेस्टी सब्जी बनकर तैयार हुई है। इसका स्वाद और बढ़ जाए इसलिए यहाँ पर हम आधा चम्मच अमचूर पाउडर का यूज़ करेंगे। अमचूर पाउडर डालने से बहुत अच्छा टेस्ट आता है।
सबको अच्छे से मिक्स कर लेना है। मैं आपको याद दिला दूँ, आपको रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक करिए, चैनल पर नए हो तो कुक विद मनोरमा चैनल को सब्सक्राइब करिए, ऐसे ही मज़ेदार नई नई आने वाली रेसिपी के लिए। हेल्दी सब्जी है करेला और आलू टिक्का, मसाले में झटपट बनकर तैयार होती है, एक लाजवाब टेस्ट आता है। इसे आप रोटी पराठा फुलका के साथ खाइए, बहुत ही टेस्टी लगता है, बच्चे बड़े सब खाकर बहुत खुश हो जाएंगे। इस तरह से आप करेले की सब्जी बनाओगे, टेस्ट तो इसका बढ़ता ही है और कड़वा भी नहीं लगता है। गैस को हम बंद कर देंगे और गर्मा गर्म रोटी के साथ इसे सर्व करेंगे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ, तब तक बाय बाय, टेक केयर।